सुप्रभात बच्चों बच्चों, आज का हमारा विषय है और है का प्रयोग। आज हम आपको बच्चों है और है का प्रयोग बताएंगे कि हम जो है का प्रयोग कहाँ करते हैं और है का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसमें बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि हमें जो है का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और है का कहाँ। जैसे अब है हमारा है का प्रयोग बच्चों हम जो अधिकतर करते हैं एक वचन में करते हैं। जहाँ हमारा एक वचन होता है वहाँ पर जो है हम है शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखो, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक किताब है, लड़का स्कूल जाता है, तो आपको अपने आप ही है आएगा, है नहीं आएगा, है आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा आपको पता चला कि हम जो है शब्द का प्रयोग जो है एक वचन में करते हैं। अब हमारा है शब्द का प्रयोग जब एक से ज़्यादा वस्तु होती है वहाँ पर है शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इसका प्रयोग किस में किया जाता है, बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब है उदाहरण देखिए, लड़कियाँ घर जा रही हैं, आपको अपने आप पता चल रहा है कि ये बहुवचन है, तो अपने आप से उसमें क्या जाएगा, है शब्द आ जाएगा। अब ऐसी है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ओके बच्चों, तो इसके अतिरिक्त आपको जो है एक वचन होते हुए भी है शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया था है का प्रयोग जो हम जो करते हैं एक वचन के लिए करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम जो है एक वचन होते हुए भी है शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे ये वाला है, अब देखो है शब्द का प्रयोग एक वचन होते हुए भी हम अपने से बड़े व्यक्ति को आदर देने के लिए भी करते हैं। उसमें भी क्या आता है बेटा, उसमें भी हमारा है शब्द का प्रयोग ही होता है। ओके बच्चों, जैसे उदाहरण देखो, गांधी जी हमारे राष्ट्र पिता हैं, मेरी माता जी मंदिर गई हैं, मेरे अध्यापक मुझे पढ़ा रहे हैं, तो आपको अपने पता चलेगा कि कहाँ पर जो है हमें है का प्रयोग करना है और कहाँ पर है का प्रयोग करना है। समझ में आया बच्चों, तो आपको पता चल गया होगा कि वैसे तो अधिकतर ये क्या होता है, बहुवचन में है शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन जब हमें किसी को अपने से बड़े होते हैं किसी को आदर देने के लिए भी हम जो है शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।